कराची में पाक सरजमीन पार्टी का हंगामी इजलास खत्म हो गया है। रात के वक्त हंगामी इजलास बुलाया गया पाक सरजमीन पार्टी का। अहदेदारान पाकिस्तान हाउस पहुंचे और इजलास अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। इजलास में तंजीम साजी से मुतालिक अहम मशावरत की गई। इजलास से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने खिताब किया। मजीद इजलास में क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कराची में पाक सरजमीन पार्टी का हंगामी इजलास खत्म हो गया है। अहदेदारान पाकिस्तान हाउस पहुंचे और वहां पर एक इजलास हुआ। इजलास में तंजीम साजी से मुतालिक अहम मशावरत हुई। इसी पर बात करेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, इजलास क्यों बुलाया गया? देखिए, पाक सरजमीन पार्टी का अब से कुछ देर पहले एक हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों के जो इलाकाई अहदेदार हैं उन्हें तलब किया गया है। ये इलाकाई अहदेदार यहाँ पहुंचे। इस इजलास में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खानी ने खिताब किया है। इस इजलास में कराची में होने वाली जो मुमकिना तंजीम साजी है उस हवाले से गौर खोज किया गया है और जो इलाकाई अहदेदार हैं उनसे मशावरत की गई है, उनके मशवरे लिए गए हैं, जिसके बाद तंजीमी स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया जाएगा। इस हवाले से ये हंगामी इजलास बुलाया गया था पाक सरजमीन पार्टी के हेडक्वार्टर क्लिफ्टन के इलाके डिफेंस में। अब्बास तकवी, शुक्रिया आपका।